अला बिज़िक्र इल्लाहे तत्मईन्नुल क़ुलूब। कुरान कह रहा है आगाह हो जाओ, ज़िक्र इलाही से दिलों को इत्मीनान मिलता है। तो जिस तरह से ज़िक्र इलाही से दिलों को इत्मीनान मिलता है, वैसे ही ज़िक्र अली से दिलों को इत्मीनान मिलता है। क्यों? इसलिए कि मालिक ने इस नाम को सबसे पहले अपने लिए मुंतखब किया, और उसके बाद जब फातिमा बिनते असद 13 रजब को खाने काबा में आई और इस बच्चे की विलादत हुई, और 3 दिन के बाद जब खाने काबा से फातिमा बिनते असद निकल रही हैं, खुद जनाब फातिमा बिनते असद ये रवायत करती हैं कि मैं काबे से अपने बच्चे को लेके निकल रही थी, मैंने आवाज़ गैबी सुनी, मेरे कान में आवाज़ आई, इसका नाम अली रखना, इसके नाम को मैंने अपने नाम से मुश्तक किया है। अजीजो, जो मजदर का असर होता है वही मुश्तक का असर होता है। कितना बाबरकत है ये नाम। बिला वजह पैगंबर ने नहीं कहा जिक्रो अली इबादा, हुब्बो अली इबादा। बिला वजह पैगंबर ने नहीं कहा नादे अली अल मजहर अल अजाइब। जिस तरीके से अल्लाह के अस्मा और हुस्ना से दुआएं कबूल होती हैं, वैसे ही जब अली का वास्ता देकर खुदा से दुआ की जाती है तो इंसान की दुआ मुस्तजाब होती है। एक सलावात पढ़ दें, मोहम्मद वाले मोहम्मद। नाम खुदा के असरात और नाम अली के असरात, कितना अजीज़ो परवरदिगार ने इस नाम में असर रखा है। किताब उयून अखबार रज़ा में मरहूम शेख सदूक रिजवानुल्लाह ताला अलैह ने यह रवायत नकल की है, कहा कि एक यहूदी था, वो जा रहा था, अब सफ़र पे जा रहा था, और साथ में रास्ते में उसकी मुलाकात हुई मौलाए कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब सलावातुल्लाह व सलाम अलैह से। मौला से मुलाकात हो गई, मौला हम सफ़र हैं इसके और जा रहे हैं, रास्ता तय कर रहे हैं। ये मौला को पहचानता नहीं था। मरहूम शेख सदूक लिखते हैं कि जब काफ़ी रास्ता तय कर लिया दोनों ने, तो एक वादी आई जहाँ सैलाब आया था, और पूरी वादी जो है वो सैलाब से भरी हुई थी, पानी जो है वो भरा हुआ है। अब उस तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं है, बस एक ही रास्ता है कि इंसान पानी के ऊपर कदम रखकर चला जाए। अब ये यहूदी जो था ये आलिम भी था अपनी किताबों का, इसने एक मर्तबा अपने लब हिलाए, कुछ जिक्र किया, और उसके बाद पानी के ऊपर पांव रखा और उस सैलाब को पार करता हुआ, उस वादी को पार करता हुआ उस तरफ पहुंच गया और वहां जाकर खड़ा हो गया। उसके बाद हकारत से वहां से मौलाए कायनात की तरफ देखा और कहता है लो अलिमता मा अलिमतो लफ़ालता मिसल मा फ़ालतो, अगर आपके पास भी वो इल्म होता जो मेरे पास है तो आप भी वो मौजज़ा दिखाते जो मैंने दिखाया। अगर आपके पास भी वो इल्म होता तो आप भी वही करते जो मैंने किया। आपने मुझे देखा कि मैं इस सैलाब के ऊपर से, इस पानी के ऊपर से किस तरह से निकल आया। जब वहां से उसने ये कहा तो मौला ने कहा संभल कर खड़ा हो जा, और देख रहा है ये क्या कह रहे हैं। बस एक मर्तबा मौलाए कायनात ने घूर के पानी को देखा, फाउ मा इलल मा, रवायत के अल्फाज हैं अजीजों कि मौलाए कायनात ने कुछ पढ़ा नहीं, लब नहीं हिलाए। उस यहूदी ने लब हिलाए थे, अली ने सिर्फ घूर के पानी को देखा है कि पानी जो है वो बर्फ की तरह से जम गया, और मौलाए कायनात उस पानी के ऊपर कदम रखते हुए पार हो गए, उस यहूदी के पास पहुंचे। अब वो देखकर परेशान हो गया,
कि इनके पास तो हमसे ज्यादा करामत पाई जाती है। मैंने तो सिर्फ अपनी जात में तसर्रुफ किया था कि मेरी जात इस काबिल बन गई कि मैं पानी के ऊपर कदम रखकर निकल आया। इन्होंने तो पानी के ऊपर तसर्रुफ किया, पानी को बर्फ बना दिया, पानी को जमा दिया। कहा भाई आप बताइए, आप तो बड़े साहिबे करामत मालूम होते हैं, ये इतनी बड़ी करामत आपसे जाहिर हुई कि आपने आलमे कौन के ऊपर तसर्रुफ किया है। ऐसा लगता है आपने पानी से कुछ कहा और पानी आपके सामने हाथों को जोड़ के खड़ा हो गया। बताइए आपने क्या कहा पानी से, आपने कौन सी दुआ पढ़ी कि जिसकी वजह से यह करामत जाहिर हुई। मौला ने कहा पहले तू बता तेरे अंदर यह करामत कैसे आई, तूने कैसे अपने अंदर यह तसर्रुफ किया। उसने कहा चूंकि आप बहुत पहुंचे हुए आदमी मालूम होते हैं, लिहाजा आपको बताने में मुझे कोई तकल्लुफ नहीं है, मैं आपको बता देता हूं कि मैंने कौन सा जिक्र पढ़ा। उसने कहा कि हमने अपने बुजुर्ग उलमा से सुना है, एक इसमें आजम है जो सीना बसीना हमारे तक पहुंचा है, और हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जब भी कोई मुश्किल आए तो उस मुश्किल में वो इसमें आजम ले लेना। तो हमने उसी इसमें आजम का सहारा लिया है। जब भी हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल आती है, जब भी हम किसी मुसीबत में गिरफ्तार होते हैं, तो उसी इसमें आजम को पढ़ते हैं और हमारी मुसीबत जो है वो खत्म हो जाती है, हमारी मुश्किल जो है वो आसान हो जाती है। कहा वो इसमें आजम क्या है। कहा हमारे बुजुर्गों ने ये बताया कि जो आखिरी पैगंबर आएगा उस पैगंबर का वसी होगा, उसका नाम अली है। मैं उसी नाम का सहारा लेता हूं और जब भी कोई मुश्किल आती है तो मेरी मुश्किल आसान हो जाती है। मैंने लफ्ज़े अली जबान के ऊपर जारी किया, बस इतना सुनना था। मौला मुस्कुराए, फरमाया जिस अली का नाम तूने लिया है वही मोहम्मद का जानशीन अली मैं हूं। एक सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। एक बाबा से बलन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले में। लिहाजा अजीजों पहचाने उस जात को, पहचाने जिसे परवरदिगार ने अपना नाम दिया है, उस कमाल को पहचाने कि नाम खुदा में जो असर है परवरदिगार ने वही नाम वही असर इस अपने बंदे के नाम में दिया है जिसका नाम खुद परवरदिगार ने रखा है।